सो है इधर गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल योर एनिमे गाई। तो स्वागत है सबका मेरे एक और न्यू वीडियो में। एंड साथ साथ में ये भी बोलना चाहता हूँ कि यार मैं जो वीडियो बनाया था पिछली बार, ये वीडियो कुछ कारण से कॉपीराइट से क्लेम आ गया था। एंड उसके साथ साथ ये वीडियो जो है वो ब्लॉक हो गई थी। एंड इसका जो पार्ट ब्लॉक हुआ था उस पार्ट को जब मैंने रिमूव किया यूट्यूब सेटिंग्स के द्वारा, तब बहुत सारा पार्ट डिलीट हो गया एंड आपको बस ये वीडियो 1 मिनट का ही दिख रहा होगा इसका ड्यूरेशन। लेकिन इसका ओरिजिनल ड्यूरेशन था 4 मिनट का। तो यार इसमें जो मैंने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिए थे वो इन्फॉर्मेशन सारे रिमूव हो गए। एंड साथ साथ मैंने इस वीडियो में क्लिप्स यूज़ किए थे, इसलिए शायद मुझे कॉपीराइट आया था। लेकिन मैं इस बार कोई भी क्लिप यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मुझे इस वीडियो में भी आपका तगड़ा सपोर्ट चाहिए। एंड वही वीडियो है ये, एंड इसमें कुछ और डिटेल इन्फॉर्मेशन भी रहेंगे एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी रहेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो यार और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यार ऐसी न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है कि वॉल्ट सीजन 6 में ईविल बनने वाला है। तो देखो यार इसका असली सोर्स है जो है वो तो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन जहाँ से शुरू हुआ था वो एक प्रेडिक्शन के द्वारा हुआ था। हाँ गाइस, ये एक प्रेडिक्शन की तरह शुरू हुआ था कि वॉल्ट ईविल बन सकता है। एक यूट्यूबर ने ऐसा बोला था कि हाँ वॉल्ट ईविल बन सकता है, चांसेस हैं, हो भी सकते हैं ऐसा। मतलब उन्होंने फुल कन्फर्मेशन नहीं दिया था कि वॉल्ट ईविल बनेगा ही बनेगा एंड वॉल्ट वो जो डेविल बेब्लेड है वो उसको यूज करेगा ही करेगा, ऐसा बस प्रेडिक्शन दिया था, कोई कंफर्मेशन फुली नहीं दिया था। लेकिन कुछ कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं कि ये सब कुछ सच है। हाँ गाइस, कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि वॉल्ट जो है वो सच में ईविल बनने वाला है। उन्होंने भी वो वीडियो देखी एंड उन्होंने भी ये चीज़ को 100% कन्फर्म बोल दिया। उधर प्रेडिक्शन था गाइस और ये लोग इधर बोल रहे हैं कि ये 100% कन्फर्म है। देखो यार मैं इनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन यार आप अगर आपको ऐसा कोई वीडियो दिखे तो आप जाके कमेंट में बोलो यार कि मतलब ऐसा न्यूज़ हमको मत दो। आपको खुद नहीं लगता कि गलत न्यूज़ फैलने से रोकना चाहिए? तो आपको भी अगर ऐसा कोई वीडियो यूट्यूब पर दिखे तो यार बिल्कुल भी मतलब उस वीडियो को मत देखना, या फिर कॉमेंट में जाके ये बोलना कि यार वॉल्ट ईविल नहीं बन सकता, वो बहुत ही अच्छा मेन कैरेक्टर है। तो यार अगर आप मेरी बात करो तो कि मैं कितना चांसेस देता हूँ वॉल्ट का सीजन 6 में ईविल बनने का, तो वो है 0.1%। फिर भी मैं चांसेस थोड़ा बहुत दे रहा हूँ क्योंकि सीजन 6 में बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन मैं फिर भी इतना जो चांसेस के साथ में कह सकता हूँ कि नहीं बन सकता है दोस्तों, इसीलिए क्योंकि वॉल्ट को हमको शुरू से लेके मतलब बेब्लेड बस स्पार्किंग तक जो दिखाया गया है उसमें से मुझे नहीं लगता कि वॉल्ट कभी भी डार्क बन सकता है या फिर ईविल बन सकता है, क्योंकि वॉल्ट हमको बहुत ही साफ दिल का मेन कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि यार अपने दोस्तों जो बुरी तरफ चले गए थे, मतलब जैसे कि आप एग्जाम्पल की तरफ ले लो रेड आई, उसको भी बुरी तरफ से अच्छी तरफ ले आया है वॉल्ट आवी ने। तो हाँ यार इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि वॉल्ट आवी सीजन 6 में ईविल बनने का चांस बहुत ही कम है। वॉल्ट आवी शुरुआत से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने जो जर्नी है उसमें बहुत अच्छा एवोल्यूशन लाया है एंड ऐसे करके ही वॉल्ट आवी वर्ल्ड चैंपियन भी बना है। तो यार ऐसे करके ही वॉल्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनता जाएगा, लेकिन उसका ईविल बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप एक वॉल्ट फैन हो तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि वॉल्ट कितना साफ दिल का मेन कैरेक्टर है। सो यार मेरी वीडियो थी आज के लिए इतना ही। तो यार जो प्रेडिक्शन है वो उसको बस प्रेडिक्शन की तरह ही लीजिए, उसको 100% कन्फर्म करके मत लीजिए, वरना फेक न्यूज़ ऐसे ही बहुत जल्दी फैलता जाएगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो यार प्लीज़ यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप लोग वीडियो तो देखने आते हो लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बार आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाओ। वीडियो में लाइक करो या ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना एंड पास वाले बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो यार तब तक के लिए मिलेंगे एक और न्यू एंड अमेजिंग वीडियो के साथ। तो टिल देन एंड गुड बाय।